नमस्कार, मैं श्रीकांत मिश्रा। आइए नजर डालते हैं बस्ती जिले की दिन भर की कुछ बड़ी खबरों पर। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का द्विवर्षीय अधिवेशन रविवार को विकास भवन के परिसर में संपन्न हुआ। अधिवेशन में कर्मचारी हितों को लेकर अनेक मुद्दे प्रभावी ढंग से उठाए गए। जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने उद्घाटन करते हुए कहा कि कर्मचारी प्रशासन की मजबूत कड़ी है, इनके सहयोग के बिना लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। कहा कि जनपद स्तर पर कर्मचारी समस्याओं के जो भी प्रकरण लंबित हैं, उनका बिंदुवार निस्तारण प्रभावी ढंग से कराया जाएगा। इसी क्रम में अधिवेशन के बाद चुनाव अधिकारी अशोक कुमार मिश्र और नामित पर्यवेक्षक उप जिला मजिस्ट्रेट जगदम्बा सिंह की देखरेख में पदाधिकारियों का चयन हुआ, जिसमें सर्वसम्मत से मस्तराम वर्मा चौथी बार अध्यक्ष और तौलू प्रसाद भी चौथी बार मंत्री, वहीं रामाधार पाल नौवीं बार वरिष्ठ उपाध्यक्ष, मनोज यादव लेखा संप्रेक्षक चुने गए। उप जिला मजिस्ट्रेट जगदम्बा सिंह ने नव निर्वाचित पदाधिकारियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वहीं जिले के मुंडेरवा चीनी मिल में आगामी 21 नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम को देखते हुए जिले में तैयारियां तेज हो गई हैं, जिसके क्रम में रविवार को महादेवा विधायक रवि सोनकर ने विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों में भाजपा पदाधिकारियों से संपर्क कर बड़ी संख्या में मुंडेरवा पहुंचने की अपील की। वहीं जिला प्रशासन कार्यक्रम की तैयारियों में तेजी से जुटा हुआ है। जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने आज भानपुर में संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने विद्यालय में साफ सफाई की व्यवस्था पर असंतोष प्रकट किया। वहीं जिलाधिकारी के निर्देश पर आज कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय रामनगर का उप जिलाधिकारी आसाराम ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में खामियां पाए जाने पर उन्होंने नाराजगी जाहिर किया। मौके पर मौजूद बच्चियों ने बताया कि उन्हें मेन्यू के अनुसार खाना नहीं दिया जा रहा है। पंजीकृत 91 बच्चों में महज 12 ही मौजूद मिली। वहीं जिले के बनकटी विकास क्षेत्र के ग्राम पंचायत खरवनिया में सरकारी टेबल के लिए आज क्षेत्रीय विधायक रवि सोनकर ने भूमि पूजन वैदिक मंत्रोच्चार के साथ किया। वहीं जिले के प्रेस क्लब में 7 दिवसीय पुस्तक मेला चल रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में पुस्तक प्रेमी पहुंचकर पुस्तक मेले में हिस्सा ले रहे हैं। वहीं जिले के दुबौलिया थाना क्षेत्र के रामजान की मार्ग पर स्थित अमानीगंज के पास सड़क पार कर रहा एक व्यक्ति ट्रेलर के चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची दुबौलिया पुलिस ने शव व ट्रेलर को कब्जे में ले लिया है। वहीं ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया। जिले के दुबौलिया थाना क्षेत्र के निधुरी महुघाट मार्ग पर निधुरी पुल के पास दो बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को इलाज के लिए विशेषरगंज में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं नेशनल एसोसिएशन ऑफ यूथ के तत्वाधान में 24 नवंबर को आयोजित हो रहे पर्यावरण को समर्पित बस्ती मिनी मैराथन दौड़ की तैयारियों की समीक्षा बैठक भावेश कुमार पांडे की अध्यक्षता में शहर में स्थित एक होटल के सभागार में संपन्न हुई। आज के लिए बस इतना ही, कल पुनः मिलते हैं इसी समय जिले की प्रमुख बड़ी खबरों के साथ। सिटी लीड राघवेंद्र सिंह के साथ श्रीकांत मिश्रा, बस्ती।